जय हिंद फ्रेंड्स, मैं शुभम श्रीवास्तव आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूँ, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव अर्थात मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को सबसे पहले ऑर्स्टेड नाम के साइंटिस्ट ने 1820 ईस्वी में इन्होंने बताया था। उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास ये एक करंट कैरिंग वायर है, ये क्या करता है अपने चारों ओर क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, क्रिएट करता है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है? मुझे क्या करना है, मैं क्या करूंगा, एक मैग्नेटिक कंपास को इस फील्ड के अंदर लेकर आऊंगा। जब मैं इस फील्ड मैग्नेटिक कंपास को इस फील्ड के अंदर लेकर आता हूं, तो इसके अंदर क्या होता है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है। तो यानी कि कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स रेस्पॉन्सिबल है जो इसमें क्या कर रहा है, इसको डिफ्लेक्ट कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। हम उसका मैग्नेट्यूड बताएंगे वो कितना होता है। तो आइए बात करते हैं कि इन्होंने कहा कि हमारे पास करंट कैरिंग वायर जो है वो क्या कर रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है अपने चारों ओर। अगर हम आगे बात करते हैं, मैंने कहा कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मैग्नेट अर्थात चुंबक क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए मैग्नेट क्यों सबसे पहले एक मैग्नीशियम नाम की जगह पर, कहां पर, मैग्नीशियम नाम की जगह पर एक काला पत्थर फाइंड करा गया था जिसे हमने क्या बोला था, मैग्नेट बोला था। तो उस काले पत्थर को बोला गया था लोड स्टोन। क्या बोला गया था इसे, लोड स्टोन। तो हमारे पास जो मैग्नेट को जो क्लासिफाई करा गया, मैग्नेट को अगर क्लासिफाई करा गया तो एक हो गया आपका नेचुरल मैग्नेट, एक हो गया आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट अर्थात हमारे पास प्राकृतिक चुंबक और आर्टिफिशियल मैग्नेट को बोलते हैं हम कृत्रिम चुंबक। तो मैग्नेट क्या है, मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो अपने चारों ओर क्या करता है, एक ऐसी फील्ड क्रिएट करता है जिसके अंदर अगर मैं कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस को लाता हूं, अगर मैग्नेटिक सब्सटेंस कोई भी आयरन निकिल और कोबाल्ट से रिलेटेड अगर मैं इसके अंदर लाता हूं, तो ये क्या करता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स को क्या करता है, फील करता है। तो अगर हम बात करते हैं मैग्नेट की, मैग्नेट को मैंने दो तरीके से क्लासिफाई करा है, एक हो गया आपका नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट को ये पूछा गया है कि लोड स्टोन आपका कैसा मैग्नेट है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट की, आर्टिफिशियल मैग्नेट में आप देखते हो कि आपका जो बार मैग्नेट होता है, क्या बार मैग्नेट, दृढ़ चुंबक जो होता है वो क्या होता है आपका, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है। सेकंड अगर हम बात करते हैं, एक होता है आपका हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्सशू मैग्नेट इसको हम बोलते हैं घोड़े की नाल का चुंबक। इसमें क्या होता है, इसमें एक यू आकार का क्या होता है, चुंबक होता है, और इसमें ये क्या होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। वहीं पर अगर हम बात करते हैं थर्ड चुंबक जिसको हम बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसमें क्या करते हैं, इसको अगर हम एडवांस व्यू लेते हैं इसका, तो होता क्या है, ये इसका यू आकार का ही होता है, इसमें क्या कर देते हैं हम क्वाइल को लपेट देते हैं। क्वाइल को अगर मैं लपेट दूंगा तो मेरे पास धारा क्या रहेगी, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा रह पाएगी और उतनी ही ज्यादा क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो अगर मुझे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है अर्थात हाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है, तो हम किसका यूज करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट का। वहीं पर अगर मुझे वीक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करनी है तो हम किसका यूज करेंगे, बार मैग्नेट का। और वीक हॉर्सशू मैग्नेट क्या होता है, ये मिड में लाई करता है, ये क्या करता है आपका, मिड में लाई करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मैग्नेट के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेट के अंदर अर्थात चुंबक के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है, गुण जिसे हम बोलते हैं, वो तीन तरीके की होती है। एक तो मैग्नेट क्या करता है, एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी रखता है, आकर्षित करने की प्रॉपर्टी रखता है। सेकेंड ये रिपल्सिव प्रॉपर्टी रखता है। थर्ड इसके अंदर कौन सी होती है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम कि
कि मैग्नेट जो है बार मैग्नेट की हम बात करते हैं। पहले मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूं, पहले आप अपनी बेसिक नॉलेज इंप्रूव करिए, आफ्टर दैट हम इसके बाद हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पे। अगर हम बात करते हैं बार मैग्नेट की, ये हो गया आपका बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। अगर मैंने यहां पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल लिया है तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो क्या होती है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और कहां जाती है, साउथ पोल की तरफ जाती है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटर मैग्नेट क्या हो गई, नॉर्थ पोल से स्टार्ट हुई और कहां गई, साउथ पोल के अंदर। और अंदर अगर मैं बात करता हूं मैग्नेट के अंदर जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, साउथ से नॉर्थ होती है। अगर मैं एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड कर देता हूं, मैग्नेट को अगर मैं फ्रीली सस्पेंडेड करता हूं तो ये इसमें होता क्या है, ये हमेशा नॉर्थ पोल ऊपर रहता है और साउथ पोल क्या होता है, नीचे आ जाता है। अगर आप फ्रीली सस्पेंडेड टैंक का मतलब क्या है, अगर आप इसे एक पिन जॉइंट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप ऐसे करके रोटेट करके क्या हो जाएगी, नॉर्थ पोल ऊपर आ जाएगा, साउथ पोल नीचे आ जाएगा। सेकेंड हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है, एक और बात कर लेते हैं कि हमारे पास इफेक्टिव लेंथ क्या होती है। इफेक्टिव लेंथ जो होती है मैग्नेट की वो होती है 6 5/6 इनटू एल, मतलब अगर ये मेरी पूरी लेंथ एल है, ठीक है, तो हमारे पास जो इसका इफेक्टिव लेंथ निकल कर आती है वो कितनी होती है, 84% होती है इफेक्टिव लेंथ। तो किनारों पर जो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो ज्यादा होती है, इसलिए अट्रैक्ट करने की और रिपल करने की प्रॉपर्टी क्या होती है, किनारों पर ज्यादा होती है और मिड पर क्या होती है, कम होती है। सेकंड हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, जैसे मैंने बात करा कि ये है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे प्रोड्यूस होगी हमें ये देखना है। अगर मेरे पास क्यू बराबर है स्टेशनरी, अर्थात ये है मेरे पास एक स्टेशनरी चार्ज, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो। अगर इसकी वेलोसिटी जीरो है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। वहीं पर अगर मैं क्यू को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराता हूं किसी चार्ज को, तो क्या होता है, ये क्या करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। अगर मैं यहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी ना रखकर मैंने क्या कर दिया, यहां पर जो चार्ज है उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, वेरिएबल है। अगर इसकी वेलोसिटी वेरिएबल है अर्थात बढ़ रही है घट रही है, तो इस टाइम हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस का मैग्नेटिक फील्ड प्लस का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तीन चीज क्या होती है, प्रोड्यूस होती है जब मेरे पास कोई एक चार्ज जो होता है वो वेरिएबल स्पीड पर रन करता है, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे क्रिएट करी जा सकती है। सेकंड हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो हमारे पास, जैसे मैंने यहां पर ये लिया है बार मैग्नेट, बार मैग्नेट में आपको पता है ये क्या होंगी, नॉर्थ से साउथ और इनसाइड क्या हो जाएंगी आपकी, इनसाइड क्या हो जाएंगी आपकी, साउथ से नॉर्थ। जो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, अगर मैंने सपोज दैट मैं यहां पर तीन प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहा हूं, देखना चाहता हूं, एक मैंने ये बनाई है, एक ये बना दी है मैंने, और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने ये ड्रॉ करी, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जो गैप है वो क्या है, कम है। अगर इनके बीच में गैप कम है तो मेरे पास ये कैसी होगी, और कॉन्स्टेंट है तो ये कैसी होगी, मेरे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसमें क्या है, मेरे पास गैप क्या है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो इसमें मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म। थर्ड हम बात करते हैं कि हमारे पास यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, पर इनके बीच में जो गैप है वो बहुत ज्यादा है, तो मेरे पास ये मेरे पास यूनिफॉर्म तो है
पर इनकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अगर हम इन तीनों में से स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज्यादा किसकी होगी भाई, इस वाली मैग्नेटिक फील्ड में। सेकंड पर किसकी होगी, इसकी। और थर्ड पर सबसे ज्यादा सबसे कम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, वहां पर सबसे कम होगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लेंस की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, आप लोगों को वैसे पता होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। अगर मेरे पास पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड लेंस में, प्रत्येक पार्टिकल पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, मतलब टेंजेंट एट ईच पॉइंट, गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड, अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये क्या करती हैं, एक क्लोज लूप का फॉर्मेशन करती हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है मैग्नेट के अंदर भी इनसाइड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में बस इतना सा डिफरेंस है, ये क्लोज लूप फॉर्म करती है, वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूअस एंड फॉर क्लोज लूप। ठीक है, अगर हम वहीं पर डायरेक्शन की बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है वो किसके थ्रू प्राप्त करते हैं, अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन जो है वो आपकी राइट हैंड फ्लेमिंग रूल जो होता है, हम इसको आगे पढ़ाएंगे, आगे डिस्कस करेंगे, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल, ये क्या करता है, आपका डायरेक्शन बताता है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। सेकेंड, अगर मैं बात करता हूं मैक्सवेल का स्कूल लॉ जो होता है, वो क्या करता है, मैक्सवेल का पेज का नियम क्या करता है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। थर्ड, अगर हम बात करते हैं कि आपका जो मैग्नेटिक कंपास होता है वो भी क्या करता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को बताता है। आगे स्टार्ट करते हैं हम फोर्स और अ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर मेरे पास फोर्स है का पता करना है, मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है, ये इनसाइड द प्लेन है और कैसी है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, क्रॉस से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास चार्ज कैसा है, मूविंग चार्ज है। अगर मैं यहां पर एक चार्ज को मैंने क्या करा है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर v वेलोसिटी से एंटर कराया है, तो v वेलोसिटी आपकी ये है और मैग्नेटिक फील्ड ये है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, अब मुझे बताना है कि किस डायरेक्शन में जाएगा, ये ऐसे भी जा सकता है और ये ऐसे भी जा सकता है। आपको क्या करना है, देखो आपको ये फिंगर्स जो है वो अपनी क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में करनी है, और ये वेलोसिटी अंगूठा जो थंब है वो आपका क्या करेगा, वेलोसिटी को डिनोट करेगा। तो ये इससे क्या लगता है भाई, थप्पड़, तो ये मेरे पास कहां जाएगा, ऊपर की डायरेक्शन जाएगा। तो मेरे पास जो फोर्स लगता है वो कितना होता है आपका, क्यू इंटू वी क्रॉस बी वेक्टर। मतलब अगर मेरे पास वी और बी यहां पर कैसे है, परपेंडिकुलर है, v वेलोसिटी और v क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर मेरे पास ये परपेंडिकुलर है तो फोर्स कितना निकल कर आएगा, qvb sin theta। अगर थीटा बराबर यहां पर 90 डिग्री है तो मेरे पास फोर्स कितना आया यहां पर, qvb, और इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, मैग्नेटिक फील्ड की वहीं पर अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या क्या होती है, अगर मैं यूनिट की बात करता हूं, एक होती है इसकी यूनिट टेस्ला, टेस्ला नाम की एक साइंटिस्ट है जिन्होंने मैग्नेटिक फील्ड पता करी थी, एक तो यूनिट की होती। सेकेंड होती है इसकी वेबर पर मीटर स्क्वायर, क्या होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। थर्ड यूनिट की अगर हम बात करते हैं, ये हो गई आपकी एसआई यूनिट, कौन सी यूनिट हो गई, एसआई। अगर मुझे थर्ड यूनिट की पता करनी है तो बी बराबर मैं कह रही हूं यहां से फोर्स अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, तो Q बराबर क्या हो गया आपका, I इंटू टी, और V क्या हो गया आपका, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो T से आपका T कट जाएगा और फोर्स का न्यूटन में
आई एम्पियर और डी क्या हो जाएगा मीटर। तो मैं कह सकता हूं यहां से न्यूटन पर एम्पियर मीटर, थर्ड क्या हो गई आपकी ये यूनिट हो गई। अगर मुझे सीजीएस यूनिट की बात करनी है तो सीजीएस यूनिट इसकी क्या होती है गॉस, क्या होती है गॉस। आपको पता है वन टेस्ला इक्वल टू क्या होता है 10^4 गॉस के बराबर, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम डायमेंशन की बात करते हैं, अगर मैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्स का निकालना पड़ेगा। फोर्स का मैंने आपको डायमेंशन बताया था क्या होता है Mt-2। क्यू का क्या हो जाएगा, क्यू बराबर क्या होता है I × t। तो ये कितना हो जाएगा आई का एम्पियर और टी, इसके साथ वेलोसिटी का क्या हो जाएगा आपका Lt-1। तो यहां से हमारे पास एक एल से एक एल कट गया यहां पर, तो ये क्या आ गया एम टी माइनस, ये टी माइनस वन से टी माइनस वन कट गया, ठीक है प्लस वन, और ये कितना गया टी माइनस टू और ए माइनस वन। तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का जो डायमेंशन निकल कर आया है वो ये है। आगे बात करते हैं कि मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है क्या होती है, मैंने डायरेक्शन तो पता कर ली कि मेरे पास करंट कैरी वायर की वजह से जो मेरे पास डायरेक्शन है ना उसकी तो समझ में आता है। अगर मुझे मैग्नीट्यूड की बात करनी हो, किसकी बात करनी हो मैग्नीट्यूड की, तो मेरे पास ये है एक इंफिनाइट वायर, कैसा वायर है इंफिनाइट। मैं यहां पर लिख रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। अगर मेरे पास, मैंने कहा कि मुझे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का कुछ डिस्टेंस है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने आर माना, इस पॉइंट पर मुझे क्या करना है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता करना है। अगर मेरे को डायरेक्शन तो पता है, कैसे ये क्या हो गई इसकी वेलोसिटी या करंट, और यहां पर पी पॉइंट पर पता करनी है तो पी पॉइंट की तरफ उंगलियां कर दी तो मेरे पास कहां आया भाई इनसाइड, या आप क्या करते हो कर्ल करते हो, ठीक है। तो मेरे पास यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हमें डायरेक्शन तो पता है इनसाइड का फील्ड, ठीक है, पर मुझे क्या करना है मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड जो होता है वो कितना होता है म्यू नॉट अपॉन 4π आई अपॉन आर साइन 5(1) प्लस का साइन 5, मतलब 5(1) और 5(2) क्या है जो इसके सिरे है किनारे वाले, तो ये कितना एंगल सबटेन कर रहे हैं पी पॉइंट पर वो होता है हमारे पास 5(1) और 5(2), ठीक है। अगर मेरे पास ये वायर कैसा हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये वाला वैल्यू क्या होता जाएगा, अगर ये बड़ा होता जाएगा तो ये क्या होता जाएगा ज्यादा होता जाएगा एंगल, तो ये एंगल ज्यादा होगा मैक्सिमम कितना हो सकता है 90 डिग्री। तो मेरे पास 5(1) और 5(2) कितने हो जाएंगे यहां पर इनफाइनाइट केस में 90 डिग्री, और 5(2) भी कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री, और साइन 90 बराबर कितना हो गया 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 2। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4π आई अपॉन आर इंटू 2। तो यहां से बी बराबर कितना आ गया म्यू नॉट अपॉन 2π आई अपॉन आर, ठीक है समझ में आपको। सेकंड हम बात करते हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की आपको क्वेश्चन देता हूं, पहले आप उसे करके दिखाइए, पहले खुद से ट्राई करिएगा, पहले वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करिएगा, देन हम बताएंगे आगे। मैंने कहा कि मेरे पास ये है एक स्क्वायर, क्या है स्क्वायर, इस स्क्वायर की वजह से मुझे इसकी जो डायगनल्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उस पर मुझे क्या करना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या मैग्नेट्यूड पता करना है। डायरेक्शन क्या हो जाएगी भाई, देखो मैंने मेरे पास थंब की डायरेक्शन ये पी पॉइंट पर इंडिया कर दी तो डायरेक्शन क्या हो गई आउटसाइड, तो मेरे पास डायरेक्शन तो निकल कर आ गई भाई आउटसाइड का प्लेन। अगर मुझे मैग्नीट्यूड की बात करनी है तो मैग्नीट्यूड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कितने वायर से मिलकर बना हुआ है ए बी सी डी, कितने 4, तो मैं क्या कर, मैं क्यों ना एक वायर की वजह से निकालू और 4 से मल्टीप्लाई कर दू, तो एक वायर की वजह से जो एंगल सबटेन होगा वो कितना हो जाएगा भैया, ये कितना होता था पूरा 90, तो ये कितना हो जाएगा आपका 45, और ये भी कितना हो जाएगा 45। अगर मेरे पास इसकी साइड है a, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी a/2, ठीक है ये समझ में आया नहीं आया। आगे बात करते हैं कि हमारे पास कि b का फॉर्मूला क्या हो गया, b
बी बराबर क्या होता था, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन आर साइन फाइव वन प्लस का साइन फाइव टू, ये होता है ठीक है। तो हमारे पास आर क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी, वायर की, वायर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली है भाई, ये वाली तो होगी डिस्टेंस, तो ये कितनी है आपकी ए बाई टू, तो आपने क्या कर दिया ए बाई टू ले ली ठीक है। फाइव वन और फाइव टू आपके कितने हैं भाई, पैंतालीस डिग्री, ये भी कितना है आपका पैंतालीस डिग्री, तो इनके मान कितने हो गए वन बाई रूट टू प्लस का वन बाई रूट टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं टू बाई रूट टू लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं। तो मैंने यहां पर मैंने मान लिया कि ए बी की वजह से, किसकी वजह से, ड्यू टू ए बी वायर मैग्नेटिक फील्ड मान लिया मैंने बी वन, तो बी वन कितना आया है हमारे पास म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू आई अपॉन ए इंटू टू अपॉन रूट टू ठीक है। तो यहां से आप देखो कि दो और दो ये क्या हो जाएगा चार कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए रूट टू, तो मेरे पास ये आया एक वायर की वजह से, कितने की वायर की वजह से, एक वायर की वजह से, पर मुझे क्या चाहिए चारों वायर की वजह से चाहिए, तो मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी आपकी फोर टाइम्स बी वन, तो फोर टाइम्स बी वन ये हो जाएगी आपकी, बी वन का मान कितना है म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए रूट टू, तो ये इसको आप क्या लिख सकते हो फोर को टू इंटू टू, टू इंटू टू लिखोगे तो एक रूट टू बच जाएगा ऊपर, तो यहां से बी बराबर आ जाएगा टू रूट टू म्यू नॉट आई अपॉन फाइव। अगर आगे बात करते हैं कि मेरे पास वायर स्ट्रेट ना होकर, कैसा मेरे पास वायर स्ट्रेट ना होकर भाई बैंड वायर को कुछ क्या हो बैंड कर्व वायर, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होती है, मैंने कहा कि मेरे पास तो ये वायर सेक्टर ऑफ सर्कल, ये कुछ एंगल सबटेन कर रहा है, कुछ मैंने मान लिया अल्फा, कितना एंगल सबटेन कर रहा है अल्फा, और ये आई एम्पियर की इसमें क्या हो रही है करंट फ्लो कर रही है, तो इसकी वजह से मैं यहां पर लिख सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेक्टर ऑफ अ सर्कल ठीक है। तो सेक्टर ऑफ सर्कल की वजह से जितना एंगल फॉर्म हुआ है ये देखना है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन आर, आर क्या है भाई इसकी रेडियस, ये आर कैपिटल आर ले लो स्मॉल आर ले लो ठीक है, इनटू अल्फा, अल्फा क्या है यहां पर, अल्फा को आपको रखना है भाई रेडियन में, किसमें रखना है रेडियन, मैंने कहा कि मेरे पास जो अल्फा एंगल फॉर्म हो रहा है वो अल्फा एंगल फॉर्म हो रहा है 30 डिग्री, तो आप इसको रेडियन में कैसे बदलोगे, रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा आपका पाई बाई 6, तो मेरे पास बी कितना निकल कर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 6, तो पाई से पाई कट गया ये कितना जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 24 आर। सब माइंड नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, पहले आप खुद ट्राई करिएगा फिर आप भी बताएंगे उसे, वीडियो पॉज करके पहले खुद से ट्राई करिए फिर देखिए कि आपने कितना समझा है। मैंने कहा कि मेरे पास ये कुछ वायर है ठीक है, ऐसे करके वायर मैंने इस बार कॉम्बिनेशन ले लिया, स्ट्रेट भी ले लिया और क्या ले लिया कर्व ले लिया, मैंने कहा कि मेरे पास इस पी पॉइंट पर क्या करना है मैग्नेटिक फील्ड क्या करनी है पता करना है, आई एम्पियर की क्या कर रही है इसमें करंट फ्लो कर रही है और रेडियस क्या है इसकी आर, मैंने माना ये हो गया ए बी सी और डी, सबसे पहले मैं बात करता हूं ड्यू टू ए बी, ड्यू टू ए बी वायर मैंने कहा इसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है बी वन, अगर इस पर बी वन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, अगर मेरे पास ये पॉइंट जो है वो इसी पर लाइक कर जाए इसका लाइन ऑफ एक्शन बड़ा, तो ये पॉइंट क्या होगा भाई एबी वायर पर लाइट कर जाएगा, तो बी वन की वजह से मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी एबी वायर की वजह से जी। अब हम बात करते हैं ड्यू टू बीसी वायर, बीसी वायर क्या कर रहा है एक सेमी सर्कल फॉर्म कर रहा है और वो कितना एंगल सबटेन करेगा भाई पाई, तो ये कितना आ जाएगा आपका इसको मान लो बी टू म्यू नॉट आई आई अपॉन आर इंटू पाई, तो ये हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन फोर आर, तो ये आ जाएगा हमारे पास बी टू,
सिमिलरली अगर मैं सीटी वायर की वजह से बात करता हूं तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन को अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो ये सी पॉइंट क्या करेगा, उसी पर लाइक करेगा। तो बी थ्री की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। तो मेरे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आई है वो कितनी आएगी, बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री। तो मैग्नेटिक फील्ड बी वन जीरो हो गया म्यू नॉट आई अपॉन फोर आर प्लस जीरो। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी निकल कर आई, म्यू नॉट आई अपॉन फोर आर। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लिया। स्टार्ट करते हैं आगे कि रेडियस ऑफ अ चार्ज पार्टिकल व्हेन एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैंने मैं क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बनाई है तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड क्या डिनोट करती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को क्या डिनोट करती है, इनसाइड है और कैसी है, परपेंडिकुलर है इनसाइड का प्लेन। अगर मैं इस पर फ्लश चार्ज को इस पर मूव कराता हूं तो फ्लश चार्ज मैंने मूव कराया, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये और फिंगर की डायरेक्शन कहां हो गई मैग्नेटिक फील्ड की, और ये इससे कहां जाएगा, ये ऊपर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड पर फोर्स कौन सा लगता है, ऊपर की तरफ। अगर लीवर में इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाता हूं तो इलेक्ट्रॉन को आपको यूज करना है कौन सा, लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड के लिए ये हो गई आपकी वेलोसिटी, ये हो गई आपकी वेलोसिटी, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई भाई, इनसाइड, और फोर्स कहां लगा, नीचे की तरफ। तो मेरे पास ये किस डायरेक्शन में जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, और ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। जब ये मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करेगा तो इस पर दो तरह के फोर्स लगेंगे, एक होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, एक कौन सा होगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता है कितना होता है आपका, एमवी स्क्वायर अपॉन आर। जब ये रेडियस पर मूव करेगा कुछ रेडियस की तो होगी इसकी वृत्ताकार सर्कुलर मोशन पर, और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है मेरे पास, क्यू इंटू वी इंटू वी। तो मेरे पास वी से वी यहां पर कैंसिल हो गया, तो आर बराबर क्या आ गया आपका, एमवी अपॉन क्यू वी, ये आ गई आपकी रेडियस। अगर लीवर मैंने कहा कि टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस ओवर टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, अगर वो एक सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल करेगा तो कितनी ट्रेवल करेगा, टू पाई आर। ठीक है, और स्पीड के लिए मैं यहां से v की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, आर क्यू बी अपॉन एम। तो ये हो जाएगा आर क्यू बी अपॉन एम, एक आर से एक आर कैंसिल, तो टाइम पीरियड कितना निकल कर आया, टू पाई एम अपॉन क्यू इंटू। ठीक, आगे बात करते हैं कि मेरे पास जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल को प्रवेश कराया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उनका रेडियस का रेशियो क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं किसकी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। अगर मैं प्रोटॉन पर, प्रोटॉन प्रोटियम को हम 1H1, न्यूट्रॉन को क्या लिखते हैं 1H2, और इसको क्या लिखते हैं अल्फा पार्टिकल को 2HE4। ठीक है, अगर मैं चार्ज की बात करता हूं, चार्ज का जो रेशियो है वो कितना है, अगर इस पर 1 है, इस पर 1 है, तो इस पर कितना है चार्ज। ठीक है, वही पर अगर मैं बात करता हूं मास की, तो मास इसका अगर 1 है, इसका कितना है 2, और इसका मास कितना है 4। ठीक है, तो मेरे पास रेडियस निकालनी है, रेडियस बराबर मैंने आपको बताया एमवी अपॉन क्यू इंटू बी। मैं सेम वेलोसिटी से एंटर करा रहा हूं, ठीक है, और क्या कर रहा हूं, और इनको सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करा रहा हूं, तो ये चीज तो कांस्टेंट हो गई। तो रेडियस क्या आ जाएगी, रेडियस डिपेंड करेगी किस, तो हमें पता है रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर एमवी अपॉन क्यू। अगर मैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल को सेम वेलोसिटी से, किससे, सेम वेलोसिटी से और सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करा रहा हूं, तो रेडियस किस किस पर डिपेंड कर रही है, ओनली मास और चार्ज पर। ठीक है, अगर मुझे रेडियस का रेशियो निकालना है प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का, ठीक है, तो मुझे कितना का एम बाई क्यू का रेशियो निकालना है, तो एम प्रोटॉन के लिए कितना है 1 और चार्ज कितना है 1। यहीं पर अगर मैं न्यूट्रॉन के मास की बात करता हूं, न्यूट्रॉन का मास कितना है 2 और इसका चार्ज कितना है 1 और इसका मास कितना है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है 2। तो यहां से जो रेडियस का रेशियो निकल कर आया है वो कितना आया है
फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का कुछ पार्ट हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे।